गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग शालू, कैसे हैं आप सब? फाइन सर। व्हाट गुड। अबाउट यू सर? और मैं ठीक हूँ। अभी क्लास ओवर नहीं हुई? सर जस्ट अभी हुई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निशा। ओके क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैंने लास्ट क्लास में आपको फिनिश किया था, आई थिंक नाबार्ड है ना, नाबार्ड किया था फिनिश। ओके सो ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में नाबार्ड टॉपिक आपका फिनिश किया था। आप सबको उसका पीडीएफ भी मिल गया होगा। एंड आज हमें जो करना है दैट इज योर मनी मार्केट। ठीक है, देखिए मनी मार्केट की अगर हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, सब समझ आएगा। देखिए मार्केट की बात अगर हम करते हैं तो मार्केट क्या होती है? मार्केट का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज खरीदने या बेचने कहीं जाते हैं। लाइक आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में क्या करते हो? किसी भी चीज को सेल करते हो या परचेज करते हो, यही करने काम दो जाते हो बेसिकली मार्केट में। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो वर्ड डिफाइन किया जा रहा है, इट्स अ मनी मार्केट। मनी मार्केट डिफाइन करती है कि हम मनी को मार्केट में लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मनी को, यानी पैसे को, हम बेच और खरीद तो सकते नहीं। लेकिन पैसे को हम क्या कर सकते हैं? पैसे को हम बोरो या लेंड कर सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं या उधार दे सकते हैं। ये हम मनी मार्केट में करते हैं एक्चुअल में, जो हमारा हमें आज टॉपिक कवर करना है। मनी मार्केट क्या कहता है कि जब जब हमें मार्केट में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसको कैसे उधार दिया जाए और कैसे उधार लिया जाए, इन दोनों केसेस के लिए आपकी क्या बनी हुई है? मनी मार्केट बनी हुई है। ठीक है, एंड मनी मार्केट अपने आप में एक स्पेशल डिफाइंड टर्म है जिसके रेगुलेशन में आरबीआई इन्वॉल्व होता है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट के लिए यहाँ और भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन एक दूसरी टाइप की मार्केट आपने शायद सुना होगा, अपने बैंकिंग के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि हमारी एक टर्म और होती है इससे रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअल में मनी मार्केट को रेगुलेट करता है कौन? दैट इज योर आरबीआई। ठीक है, एंड मनी मार्केट में हमेशा कभी भी हमें अगर पैसे को बोरो करना है या लेंड करना है तो ये एक्चुअल में शॉर्ट टर्म के लिए होगा। और शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पर है कि विद इन वन ईयर के लिए, और विद इन वन ईयर में 365 डेज तक के लिए नहीं होता कभी भी मनी मार्केट। एक्चुअल में कितने दिन के लिए होता है? ओनली फॉर 364 डेज, यानी 365 डेज से जितना भी आप कम रहेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? मनी मार्केट पे लोन फैसिलिटीज का अवेलेबल होना कराएगा। सेम एज अगर दूसरी टर्म की बात करें, दैट इज योर कैपिटल मार्केट, जो कि हमें सेपरेटली लेना है, आज के टॉपिक में वो मिक्स नहीं है, लेकिन इसी के बिहाफ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल मार्केट जो होता है उसको मेंटेन करता है आपका सेबी। सेबी आपने सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडस्ट्रीज, दैट इज ऑफ सेबी। सेबी की अगर हम बात करते हैं तो सेबी आपका एक्चुअल में मनी मार्केट को ना रेगुलेट करके किसको करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने पर उसका मेन मकसद बनता है कि एक्चुअल में वो क्या करे, जो भी मनी आपकी लैंड और आपकी बोरो की जा रही है उसको एक्चुअल में अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मार्केट में लेकर आता है। साथ के साथ वो मोर देन वन ईयर के लिए होती है। ठीक है, यानी इट मींस वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक, तो एक्चुअल में आपका मनी मार्केट और आपको कैपिटल मार्केट दोनों टॉपिक कवर करने हैं। तो इस टॉपिक में आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑफ योर मनी मार्केट पे करेंगे। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा, मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है और आपका कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। अब देखो मनी मार्केट है क्या? मनी मार्केट यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी पीडीएफ, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, द मनी मार्केट इज अ सब डिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का एक सब डिवीजन है मनी मार्केट, दैट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन इन्वेस्टर्स या फिर लेंडर्स एंड बोरोवर्स या फिर यूजर्स।
ऑब्वियस है, अगर हम बात करें हर जगह पर अपनी अपनी एक मनी मार्केट होती है, लाइक मुंबई में भी है, लाइक दिल्ली में भी है, हर जगह पर अपनी अपनी मनी मार्केट है। तो गवर्नमेंट के पास उस मनी मार्केट में अलग अलग तरीके हैं कि हम कैसे पैसे को बोरो करें और कैसे लैंड करें, ठीक है। तो एक्चुअल में ये फाइनेंशियल मार्केट का क्या है, एक हिस्सा है। उसी के साथ अगर हम बात करें, द मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन द फाइनेंशियल असेट्स हुज मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर / 365 डेज। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब होता है कि अगर हम कभी भी किसी से लोन लेंगे या लोन देंगे, इट मींस अगर बोरो करें या लैंड करें, तो उस कंडीशन में हमारी ये अथॉरिटी बनती है कि हम उसको क्या करें, एक बार एक पैसा कितने टाइम के लिए दे रहे हैं उसका एक मैच्योरिटी पीरियड रखें कि जिससे कि वो हमें उस टाइम तक वो रिटर्न कर दे, ये चीज होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड जिसे हम कहते हैं, वो कितने टाइम का होता है, 365 डेज बिलो 1 ईयर, ठीक है, यानी 364 डेज, 365 पूरा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो एक्चुअल में मनी मार्केट डज नॉट डील इन द कैश, दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मनी मार्केट जो है ना, वो कभी भी कैश से डील नहीं करती। इट मींस मनी मार्केट में कभी भी हम कैश को डायरेक्टली लेन देन नहीं करते। यहाँ जो लेन देन होता है पेपर्स की फॉर्म में होता है। एंड व्हाट इज दीज पेपर्स, एक्चुअल में दीज पेपर्स आर एक्चुअली नोन एज द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ये कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिनके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि वो पेपर अपने आप में क्या है, उस पैसे की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लाइक अगर सपोज करो आपने सुना होगा कि मैं एक चेक पर, एक बैंक का चेक जो होता है, मैं उस चेक पर अगर एक अमाउंट लिखता हूँ और उस अमाउंट को मैं किसी बंदे को दे देता हूँ और ये कह देता हूँ कि आप इसे जाकर मेरे बैंक से निकाल लो, तो क्या है वो एक पेपर अपने आप में उस अमाउंट की वैल्यू को शो कर रहा है ना, यानी वो चेक उस अमाउंट की वैल्यू को शो कर रहा है। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि हमने डायरेक्ट कैश नहीं दिया, हमने क्या दिया, वो पेपर दिया, जिसके थ्रू भी उसे क्या मिलेगा, सेम मनी मिल जाएगी, कहां से, बैंक से, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं ये बताऊंगा व्हाट विल बी द बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ये कुछ हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मनी मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपने कुछ शायद सुने भी होंगे, जैसे कि आपके डिमांड ड्राफ्ट सुना होगा, मनी ऑर्डर सुना होगा, इस तरीके से भी हमारे कुछ टर्म्स आपने सुनी होंगी। मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ कि मनी मार्केट में जो है वो कैश का फ्लो नहीं होता डायरेक्टली, वो कुछ पेपर्स का फ्लो होता है, जो पेपर उस मनी को अपने आप में रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ ये इतनी मनी का पेपर है, ठीक है। सो दीज आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी, और ये हमारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी होते हैं, कौन, द क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। कौन से क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये होते क्या है, एक एक करके हम करेंगे, ठीक है। साथ के साथ दीज इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प्स टू बोरो द फंड्स टू द बिजनेस यूनिट्स, और यही इंस्ट्रूमेंट्स का हर कोई इस्तेमाल करता है, लाइक बिजनेस यूनिट्स, लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। तो यानी गवर्नमेंट को भी इन्हीं पेपर से काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ही, उसको भी, और कोई एक बिजनेस यूनिट हो उसको भी इसी बेसिस पर काम करना है, ठीक है क्लास। तो देखिए आपको थोड़ा सा पहले मैं इसको आगे लेकर चलने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करता हूँ। लाइक आपने एक चीज सुनी होगी, आपसे बोला भी जाता है, आप अगर किसी से पैसा लेते हो तो पैसा लेने की कंडीशन में वो क्या करता है, आपसे एक सिक्योरिटी रखवाता है ना, आपसे ये कहता है कि मैं आपको इतना पैसा अगर दूंगा तो आप मुझे बदले में कुछ यहाँ रख कर जाओ, जिससे कि अगर आप उस पैसे की पूर्ति नहीं कर पाए तो एटलीस्ट मेरे पास वो सिक्योरिटी डिपोजिट तो होगा, होता है ना ये चीज। लेकिन एक्चुअल में वहां पर तो ये चीज होती है कि आपको सिक्योरिटी कुछ रखनी पड़ेगी, बट यहाँ पर क्या होता है कि सपोज आपसे ना, मैंने किसी से आपसे कहा कि मुझे ना इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, मैंने भास्कर से कहा, भास्कर मुझे ना 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो भास्कर ने कहा कि ठीक है मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा। भास्कर ने मुझे देने का वादा किया, लेकिन भास्कर ने ये कहा कि बदले में आप मुझे कितने पैसे दोगे और कब तक रिटर्न करोगे। तो मैंने कहा भास्कर को कि भास्कर मैं आपको ना 5.5 लाख रिटर्न में दूंगा एंड मैं विद इन 365 डेज, मतलब एक साल के अंदर अंदर या विद इन 364 डेज के अंदर मैं आपको ये रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। भास्कर ने कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं कि आप ये प्रॉमिस कर रहे हो मेरे से कि मैं ये मतलब मैं ये आपको अमाउंट इतना दे, मतलब आप मुझे इतना अमाउंट दे ही दोगे और इतने टाइम पे दे दोगे। तो भास्कर को ने जब ये बात कही तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भास्कर को लिख कर दिया एक पेपर पे अपने खून से
कि भास्कर मैं ये इतने पैसे आपको इतने टाइम तक इतने रिटर्न करूंगा जो कि आपने मुझे इस डेट पर दिए थे, दैट्स ठीक है। मैंने भास्कर को ये लिखकर दे दिया। क्या आपने ऐसा ही कहीं और भी देखा है लिखा हुआ क्लास? अगर आपको याद हो तो आपने सेम एज चीज एक लिखी हुई देखी होगी नोट्स पर, आपके करेंसी नोट्स होते हैं उन पर आपने चीज देखी है। आपके गवर्नर जो होते हैं, आरबीआई गवर्नर, उनका एक शॉर्ट नोट रहता है उस पर लिखा हुआ, देखा है क्या? हाँ, आपने देखा होगा। यस यस, अगर जिसके पास भी अभी भी नोट है, अगर नहीं देखा है तो एटलीस्ट आप देखिए, उस पर लिखा होता है कि मैं इतने पैसे इतने टाइम पर आपको देने का अदा वचन अदा करता हूँ, समथिंग लाइक हिंदी में ऐसे लिखा होता है। बट क्या आपने उसमें ऐसा देखा है कभी कि अगर वो 500 का नोट है तो बदले में आपको 1000 देने का वादा कर रहा हूँ? नो, जो करेंसी वैल्यू शो कर रही है, जो नोट पर करेंसी है, उसी उसका वो वचन, उसी उसका वो प्रॉमिस करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में वो भी प्रॉमिसरी नोट है एक, और एक्चुअल में यहाँ पर जो आप देंगे, मतलब मैं भास्कर को जो लिख कर दूंगा, ये भी क्या है, प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट का मतलब अब समझ में आया आपको कि प्रॉमिसरी नोट होता क्या है? प्रॉमिसरी नोट होता है कि जब मैं किसी को, किसी का एक अमाउंट, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर रिटर्न करने का प्रॉमिस कर रहा हूं विद इन दैट टाइम पीरियड, जितने में कि उसने कहा है और जितना एक्स्ट्रा कहा है, वो सारा वो आपका क्या कहलाता है, एक प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। सेम एज ऐसा ही आपके नोट पर होता है, लेकिन नोट पर जो होता है वो आपका प्रॉमिसरी नोट नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉमिसरी नोट आपको एक्स्ट्रा पे करने का वचन नहीं देता, एक्स्ट्रा पे करने का प्रॉमिस नहीं देता, वो एक्चुअल में सिर्फ उतना ही प्रॉमिस करता है जितना आपको उस नोट की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है क्लास। सो इसी तरीके से हमें ना ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, ठीक क्लास। चलिए, समझ आई क्लास इतनी बात कि मनी मार्केट है क्या? यस सर। ओके, सो मनी मार्केट में, अब मैं मनी मार्केट के बारे में अगर बताऊं तो मनी मार्केट के कुछ फंक्शंस को आप यहां पर देखिएगा कि मनी मार्केट एक्चुअल में करता कौन कौन है। द इंडियन मनी मार्केट इंक्लूड्स द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूड होता है आपका मनी मार्केट में, कमर्शियल बैंक इंक्लूड होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूड होते हैं। कमर्शियल बैंक्स यू नो, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, दीज ऑल आर योर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, जो भी आपके सेक्शन 2 में रखे हैं, शेड्यूल 2 में रखे गए हैं आरबीआई के, आरबीआई 1934 के, ठीक है, शेड्यूल 2 में जो सारे बैंक्स रखे गए हैं वो आपके कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स आपने सुना होगा, सहकारी बैंक्स जो होते हैं। उसके बाद अदर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब जो भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं ना, फाइनेंस करा सकते हैं, वो आपके अदर इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट में भी इंक्लूड होते हैं। उसके साथ द आरबीआई इज कंट्रोलर ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया, एज आई टोल्ड यू कि आरबीआई कंट्रोल करता है मनी मार्केट को। सम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज आपकी कुछ ऐसी कंपनीज जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। एनबीएफसीज क्या होते हैं बताइए, बताइए क्लास, एनबीएफसीज। क्लास बताइए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आपको कुछ का एग्जांपल पता है? अरे मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपने, चोला मंडलम आपने शायद सुना होगा, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस तरीके के हमारे एनबीएफसीज हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, यानी उनका बैंक से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दे सकते हैं, ठीक है। और अनदर की अगर बात, कुछ कहना चाहते हैं शालू आप? No, okay. और अदर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो लाइक आपके एलआईसी, एलआईसी के बारे में आपने सबने सुना होगा, लाइक जीआईसी, लाइक यूटीआई, ये सब के क्या है, इंडियन मनी मार्केट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इंडियन मनी मार्केट में, ठीक है। एक्चुअल में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे लोग अपना पैसा लैंड भी कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं, और इनको सबको रेगुलेट कौन करेगा आपका, दैट इज योर आरबीआई। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक चीज बताई थी कि आपके नाबार्ड में आरआरबीज आते हैं, मैंने आपको बताया था आरआरबीज के बारे में, जो रीजनल रूरल बैंक्स थे।
इंडियन मनी मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिर्फ और सिर्फ आपके आरआरबीज नहीं इंक्लूड होते, बिकॉज आरआरबीज के स्पॉन्सर बैंक्स, मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था कि आरआरबीज के लिए स्पॉन्सर बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट का शेयर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और आपके स्पॉन्सर बैंक्स का शेयर होता है, स्पॉन्सर बैंक्स आरआरबी बनाते हैं। और स्पॉन्सर बैंक्स कौन होते थे? आई टोल्ड यू दीज वर द कमर्शियल बैंक्स, मैंने बताया था ना, लाइक पीएनबी भी आपके स्पॉन्सर बैंक हो सकता है, एसबीआई भी एक स्पॉन्सर बैंक हो सकता है, किसका? आरआरबी का। तो एक्चुअल में यहाँ पर डायरेक्टली आरआरबी इन्वॉल्व नहीं होती, तो आपके कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक्स होते हैं, क्योंकि वही तो आरआरबी बना रहे हैं, तो हम अलग से आरआरबी को मनी मार्केट में लेकर नहीं आते हैं। क्वेश्चन आ चुका है कि विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, विच बैंक्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट, दैट इज योर आरआरबी, ठीक है? रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो आरआरबी का पार्ट नहीं है। अब देखिएगा उसी चीज पर एक्चुअल में जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है। फीचर्स जो है इस मनी मार्केट के वो ये है कि मनी मार्केट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। वी हैव डिस्कस्ड कि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी क्या है और बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, जो हमने पढ़ी है, अभी पढ़ेंगे और भी, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी इस तरीके की, फॉर ऑफ वन ईयर और लेस, एक साल से या उससे कम के लिए, such as treasurables and commercial paper, कि क्या होते हैं, terms clear होंगे अभी आपको। Money market के features क्या है, like money market has no geographical constraints unlike the stock exchange, it means money market में कोई भी include हो सकता है, like stock exchange हर किसी को include नहीं करता ना, तो actual में money market तो सबको include कर लेती है, इसमें कोई geographical constraint नहीं होते हैं, सिर्फ आरआरबी को छोड़कर। उसके बाद इवन दो देयर आर वेरियस मनी मार्केट सेंटर्स लाइक मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इटीसी, हाउएवर दे आर नॉट सेपरेट इंडिपेंडेंट मार्केट बट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटररिलेटेड। इसके जो सेंटर्स हैं मनी मार्केट के वो जगह जगह पर बने हुए हैं, लाइक मुंबई में भी, कलकत्ता में भी और चेन्नई में भी, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से अलग अलग रहकर काम नहीं करते, दे आर इंटरलिंक, ये इंटररिलेट होकर काम करते हैं। इट हैंडल्स ऑल द डीलिंग्स इन द मनी और द मॉनेटरी असिस्ट, और ये सारे ही डील करते हैं कि जब जब हमें नीड होती है किस चीज की, मनी की, मनी की नीड कैसे होगी, लाइक पैसा कम है, पैसे को लेना है किसी से, पैसे की जरूरत किसी को हो रही है तो उसे पैसा देना है, इन सब को डील करता है। उसके साथ साथ इट इज अ मार्केट प्रॉडली फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, बात कर चुके हैं हम कि ये सिर्फ किसके लिए होती है, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होती है। There are different of markets such as call money market, bill market, and it is not a single homogeneous market. Actual में ये terms जो आ रही है ना, ये सब आपको clear होंगी। इस market में आपकी कुछ market involve और भी होती है, like call money market और bill market, ठीक है? ये क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा, इसीलिए ये homogeneous market नहीं होती, इसीलिए homogeneous market नहीं होती, ये heterogeneous market होती है, क्योंकि यहाँ different different तरीके हैं। Homogeneous का मतलब क्या होता है? होमोजीनस का मतलब होता है जब आपकी कोई एक सिंगल टाइप ऑफ थिंग किसी भी एक चीज में हो रही, सिर्फ एक ही चीज पर वो वर्क करे, दैट इज होमोजीनस, या सेम चीज पर वर्क करे, एक कोई पार्ट है उसी का सेम कोई पार्ट और ले रखा है, तो वो होमोजीनस मार्केट हो गई। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लोन के, लैंडिंग के, तो इसीलिए क्या है, ये हेट्रोजीनस मार्केट है। Money market constitutes a link between RBI and banks and provides information about monetary policy and management. And money market ही आपका क्या है, एक link है between the RBI and other banks, जिससे कि क्या होता है, वो सारी monetary policy और management की information provide करता है किसमें, market में, ठीक है? साथ के साथ transactions can be processed without the help of brokers. इसमें एक चीज बहुत important है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर कभी भी पैसा लेने और देने के लिए brokers की जरूरत नहीं पड़ती। You know about brokers, जो बिचौलिए जिसे कहते हैं ना, जो बीच में अपना भी कमीशन खाते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर सिर्फ दो पार्टीज होती हैं या दो से ज्यादा तीन पार्टीज हो सकती है, वो अपने आपस में इंटरलिंक होकर पैसे की लैंडिंग या बोरिंग करती हैं, कोई भी बीच में ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती। साथ के साथ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे अभी, वो इंस्ट्रूमेंट सारे आपके इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है? सो दिस इज द फीचर्स, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए था कि एक्चुअल में मनी मार्केट कैसे वर्क करती है और मनी मार्केट का क्या क्या फंक्शन है, फीचर्स क्या क्या है।
अब देखिए मनी मार्केट में एक्चुअल में इंक्लूड होने के लिए आपकी दो टाइप ऑफ सेक्टर्स बनाए गए हैं एक्चुअल में. वन इज ऑफ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनदर वन इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. कहने का मतलब क्या है देखिए क्लास, एक्चुअल में मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होते हैं जो कि पूरी तरीके से ना पैसे की लेंडिंग और बोरोइंग का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है. जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर आप उसे भी कह सकते हो जो कि आरबीआई रेगुलेट करे, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर उन्हें कहोगे जो कि आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, ठीक है. यहाँ पर एक्चुअल में ऑर्गेनाइज सेक्टर जो आरबीआई कंट्रोल करता है वो कौन कौन है, वन इज ऑफ आरबीआई तो है खुद का खुद, उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सात एसोसिएट्स, ये भी किसमें इंक्लूड होते हैं, मनी मार्केट में इंक्लूड होते हैं, ये भी अपना पैसा बोरो लैंड करा सकते हैं, फाइन. साथ के साथ 20 नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वी हैव स्टडीड कि आपके कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, 20 नेशनलाइज्ड बैंक है. उसके बाद कुछ आपके शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है. शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो है जो कि आरबीआई की शेड्यूल 2 में रखे गए हैं, वो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं. जो कि नहीं रखे गए हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है. मैंने आपसे एक चीज कही थी क्लास कि आप आरबीआई की साइट पर जाइएगा, उसका सेक्शन 2 शेड्यूल 2 आपका आरबीआई 1934 एक बार ऑब्जर्व करिए, उसको पढ़िए, उसमें आपको समझ आएगा कि आपका शेड्यूल्ड बैंक कौन सा है, नॉन शेड्यूल्ड क्या है. क्योंकि ये चीज ना पेपर में नहीं समझानी है, मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट है, बट एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हो तो यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. बिकॉज इंटरव्यू में अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ कि शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है क्लास. उसके साथ साथ कुछ फॉरेन बैंक्स हैं जो भी आपके क्या है, इंडियन मनी मार्केट में इंक्लूड होते हैं क्लास. यहाँ पर जो ये आरआरबी है ना, आरआरबी को नहीं इंक्लूड करना, आरआरबी को हटा देना है, आरआरबी नहीं होते हैं, ये गलती से लिखा गया मेरे से. ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरआरबी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, मतलब मनी मार्केट में ही आरआरबी नहीं है, ना ही ऑर्गेनाइज में ना ही अनऑर्गेनाइज. अजय आपने बीच में ऑफ कर दिया था, आप कहाँ चले गए थे, ऐसे आपको समझ आएगा. अजय आप बीच में ऑफ हो गए थे, आप कहाँ गए थे और आपको ऐसे समझ आएगा टॉपिक. फिर गायब. ये कैसा बिहेवियर है भाई, अजय आपसे पूछा जा रहा है कुछ और, हद है मतलब. उसके बाद अगर हम बात करें तो आरआरबी इंक्लूड नहीं है, आरआरबी को यहाँ से कट कर दूंगा मैं. या आपके पास अगर यही पीडीएफ पहुंचे तो आप उसको प्लीज काट लेना, या फिर जैसे भी हो, ठीक है. आरआरबी को इंक्लूड नहीं करेगा. उसके बाद नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बता ही चुका हूँ. और कुछ क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज, क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज हमारी वो बॉडीज होती हैं. क्वासी का मीन्स क्या होता है क्लास, आपको पता होगा वैसे भी. क्वासी गवर्नमेंट बॉडी आप किसे कहोगे बताइए, नहीं पता क्लास, आप पिछली क्लासेस थोड़ा सा पढ़ के बैठते हो क्या. देखिए क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज ना एक्चुअल में वो बॉडीज होती हैं जो कि आपकी सेमी कह सकते हो, सेमी गवर्नमेंट हो, मतलब पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में ना आकर पार्शियल वे में गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, वो क्वासी गवर्नमेंट कहलाती है. एक मॉर्टेज करके एसोसिएशन है, ये भी क्वासी गवर्नमेंट बॉडीज है. कुछ लार्ज कंपनीज जो ज्यादातर प्राइवेट लिमिटेड हैं वो भी आपके किसमें आती हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं. तो एक्चुअल में ये सारे सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं जो कि मनी मार्केट में आकर अपना पैसा लगा सकते हैं, लेंडिंग पर दे सकते हैं और इवन बोरो भी कर सकते हैं व्हेन दे हैव नीड ऑफ ऑल दीस थिंग्स, ठीक है. उसके साथ अगर हम बात करें द अनदर वन इज योर अनऑर्गेनाइज्ड बैंक्स. अनऑर्गेनाइज्ड का सेक्टर का मतलब है जिन्हें आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, मैंने बताया अभी आपको. अनऑर्गेनाइज्ड में कौन आते हैं, इंडिजिनस बैंक्स आते हैं. इंडिजिनस बैंक्स क्लास, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, इंडिजिनस बैंक्स आपको याद है, मैंने ये जब आरबीआई कराया था आपको, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया कराया था, तब भी मैंने आपको बताया था इंडिजिनस बैंक्स क्या होते हैं. बताओ
क्लास मैंने ये बात बताई थी आपको कि इंडिजिनस बैंक्स जो कि इंडियन ओरिजिन से ही हुए थे और ये बेसिकली बिजनेस पर्पजेस से हुए थे, जैसे कि पहले टाइम पर सुल्तान राजा वगैरह हुआ करते थे ना हिस्टोरिकल टाइम पर, तो उन्होंने अपना साइड वाइज एक ये कह सकते हो अपना बैंकिंग सिस्टम ही था वो, लेकिन वो पूरी तरीके से बैंक क्यों नहीं कहलाया था, क्योंकि उनको एक नाम या उनको एक नेशनलाइजेशन का वर्ड नहीं मिला था, लेकिन उसमें से कुछ बैंक्स को नेशनलाइजेशन का वर्ड मिला था, लाइक आपका पीएनबी। पीएनबी एक इंडिजिनस बैंक था, पीएनबी आपका बनाया गया था ये सुल्तान महाराजा राजाओं के थ्रू, लेकिन बाद में इसको नेशनलाइजेशन का वो मिल गया, नेशनलाइज हो गया ये, तो ये आपका इंडिजिनस बैंक ना बन के किसमें आ गया था, कमर्शियल बैंक में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे इंडिजिनस बैंक बने थे जो कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बनाए गए थे आपके पर्पस फॉर बिजनेस के लिए, ठीक है, बाय दी राजा महाराजा, जिससे कि वो क्या कर सके अपनी साइड वाइज अपनी चीजें जितनी भी हो रही हैं सेविंग्स और पैसा है वो सब वहां पर डिपॉजिट कर सके, सेव कर सके, ठीक है। एंड दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कुछ आते हैं मनी लेंडर्स, और कुछ मनी लेंडर्स भी वो मनी लेंडर्स हैं जो कि बहुत हायर इंटरेस्ट पर आपको पैसा प्रोवाइड कराते हैं, तो ये अनऑर्गेनाइज हैं जो कि आपके इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, मनी मार्केट में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। सो मनी लेंडर्स और इंडिजिनस बैंक याद रखिएगा और आरआरबी, क्लियर। अब देखिए, अब हम समझते हैं व्हाट इज योर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जो एक एक करके मैंने आपको टर्म्स बोली थी ना, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, और आपका इवन चेक और आपका प्रॉमिसरी नोट, ये सब क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। अब देखिए, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट में, दैट इज योर ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, क्लास आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, क्लियर हो गया है सबको प्रॉमिसरी नोट क्या था? यस सर। चालू पता है, सिर्फ आप पूरी क्लास में हाँ करते हो। भास्कर, निशा, अजय, प्रमोद, समझ आया आपको? भास्कर तो है ही नहीं क्लास में, वो भी गायब हो गया। पिछली क्लास में भी शालू इतने ही स्टूडेंट थे क्या? सब मेरे में लॉग्ड है, मेरे को कुछ नहीं होगा। अच्छा, चलिए जो आप सुनेगा, देखिए आई डोंट नो व्हाट पीपल यू आर डूइंग, बट द थिंग इज कि दीज टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और एटलीस्ट ये आपको बहुत बेसिक चीजों में कोई नहीं बताने वाला, एंड बुक्स में जब पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, तो एटलीस्ट पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज अटेंड कर सकते हो, अदरवाइज इससे पहले तो पढ़ने से रहे। आप सोचे हो अगर कि रट्टो फाई करोगे या फिर पूरा मतलब वैसे ही रट्टा मार के याद कर लोगे चीजें, तो ये नहीं होने वाली, क्योंकि दीज टर्म्स आर स्पेसिफिक, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आपके अनऑर्गेनाइज्ड, सॉरी अनऑर्गेनाइज्ड कह रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं मनी मार्केट के। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में आपका आता है द फर्स्ट वन इज योर ट्रेजरी बिल्स। शालू आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ट्रेजरी बिल्स की अगर हम बात करें तो देखिए ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। अगर सपोज करो कि मैंने अभी बात की कि मेरे को जरूरत थी, मैंने भास्कर से पैसा मांगा, ठीक है। अब सपोज करो मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट हूँ एंड भास्कर इज आरबीआई। अब यहाँ पर चेंज होता है इस तरीके से कि अगर गवर्नमेंट कभी भी सपोज किसी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो गवर्नमेंट किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी। अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है और वो आरबीआई के पास पहुंची तो आरबीआई से उसने कहा कि मुझे ना इतने पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई ने कहा कि भाई मैं डायरेक्टली तो मार्केट में से मांग नहीं सकता पैसे भाई, क्योंकि मैं बैंकर्स ऑफ बैंक हूँ, तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं कुछ एक चीज तरकीब सोचता हूँ जिससे कि मैं मार्केट से पैसा निकाल सकूँ, ठीक है, मैं मार्केट से पैसा ले सकूँ, उठा सकूँ, क्योंकि मेरे पास जब इतना पैसा नहीं है कि मैं दे सकूँ। तो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने ना एक पेपर निकाला और एक पेपर निकालने के बाद ना उस पर एक अमाउंट लिख दिया, दैट इज योर 25,000। फाइन, उसने एक अमाउंट लिखा 25,000, ध्यान से सुनते चलिएगा, उसने अमाउंट लिखा 25,000 और उसने ना उसपे एक डेट मेंशन कर दी, दैट इज ऑफ 91 डेज। क्लास दिमाग में एक बात रखिएगा, जितने भी हम ये इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे ना, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बिलो 365 डेज होंगे, 1 ईयर से कम, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा। तो आरबीआई ने जब वो पेपर निकाला, उस पेपर पर उसने 25,000 मेंशन की और साथ के साथ डेट क्या लगा दी, डेट नहीं सॉरी टाइम लिख दिया 91 डेज का, और उसने मार्केट में ये पर्चा निकालने के बाद, ये पेपर निकालने के बाद ये बोलना शुरू किया कि हम ना आपके लिए एक बिल लेकर आए हैं,
एक बिल लेकर आए हैं जिस बिल का अमाउंट है 25,000, लेकिन हम ये डिस्काउंट में दे रहे हैं। आरबीआई ने ऐसा बोलना शुरू किया। अब जब ये बात लोगों तक पहुंची, जब ये लोगों तक पहुंची तो लोगों ने पूछा कि भाई आप कितने अमाउंट पर ही दोगे। उन्होंने कहा कि हम ये डिस्काउंट पे देंगे, आरबीआई ने बोला। तो लोगों ने पूछा आप कितने डिस्काउंट पे दोगे, तो आरबीआई ने कहा कि ये चीज डिसाइड होगी, बोली लगेगी इसमें, तब हम बोली लगकर ये डिसाइड करेंगे कि कितने में ये सेल होगा। तो अब सपोज करो वहां पर चार पांच लोग पहुंच गए, निशा पहुंच गई, मैं पहुंच गया, शालू पहुंच गए, प्रमोद भी पहुंच गया। तो इस तरीके से हम चारों पांचों लोग पहुंच गए और हमने ना उस बिल का, उस पेपर का बोली लगाना शुरू किया। और उसका जब वो 25,000 रुपीज बोला गया था आरबीआई के थ्रू, तो सपोज करो मैंने बोल दिया 22,500 बोल दिया, निशा ने बोल दिया आपका 21,000, भास्कर ने बोल दिया कुछ 23,000, इस तरीके से बोल दिया। अब आरबीआई का डिसाइड हुआ कि मैं इसको बेचूंगा 22,500 पर। सपोज आरबीआई ने कहा कि ठीक है ये जाता है सोहिल को 22,500 पर, मैंने वो खरीद लिया, मैंने आरबीआई को 22,500 22,500 रुपीज पे कर दिए, क्लियर। अब जब मैंने ये पे कर दिए तो मुझे कितने मिला, 22,500 में मिला। अब सपोज करो कि मैं ये इस पे जो टाइम लिखा है 91 डेज का लिखा था, अब अगर मैं 91 डेज पूरे होने से पहले, एक्चुअल में जो 91 डेज इस पे मेंशन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका रिप्रेजेंट कर रहा है मैच्योरिटी पीरियड। एंड मैं 91 डेज होने से पहले ही मैं इसको क्या कर दूं, मैं दोबारा से आरबीआई को इसको सेल कर दूं। अब जब मैं आरबीआई को इसको सेल करूंगा तो आरबीआई ने ये खरीदेगा कितना, इसमें आरबीआई इसको खरीदेगा ओनली ऑफ 25,000 में, जो अमाउंट इस पर मेंशन है। तो एक्चुअल में अब देखो ये आरबीआई ने दिया मुझे डिस्काउंट में था, लेकिन एक्चुअल में आरबीआई ने वापस कितने में लिया, उतने ही अमाउंट में लिया, अगर मैंने सिर्फ विद इन मैच्योरिटी पीरियड सेल करा। तो दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का मतलब है जब गवर्नमेंट को पैसे की नीड है तो वो आरबीआई के पास जाती है, और आरबीआई हमेशा क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल्स पास करते हैं। और एक्चुअल में ट्रेजरी बिल्स का जो मिनिमम अमाउंट सेट किया जाता है, दैट इज ऑफ 25,000, 25,000 मिनिमम अमाउंट सेट किया जाता है किसी भी ट्रेजरी बिल का, एंड मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आरबीआई मैक्सिमम कितना भी बड़े अमाउंट का ट्रेजरी बिल निकाल सकता है। समझ में आई क्लास बात, व्हाट इज ट्रेजरी बिल? ओके, ट्रेजरी बिल्स के साथ अगर मैं बात करूं तो अब देखिए ट्रेजरी बिल जो मैंने बोला कि 91 डेज का मैच्योरिटी पीरियड, अब थोड़ा सा यहाँ पर और एडिशन करेंगे ट्रेजरी बिल में। एक्चुअली ट्रेजरी बिल 3 वैलिडिटी के साथ निकाले जा सकते हैं, यानी मैच्योरिटी पीरियड का जो डेट टाइम है वो 3 तरीके से निकाला जा सकता है। कुछ ट्रेजरी बिल्स आरबीआई 91 डेज की मैच्योरिटी पीरियड के साथ निकालता है, यू विल राइट इट, आप लिखोगे इसे जो भी आपके पास रजिस्टर है आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये शायद मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। कुछ ट्रेजरी बिल्स आरबीआई 91 डेज के लिए निकालता है, कुछ ट्रेजरी बिल्स निकालता है 182 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, और कुछ निकालता है 364 डेज के लिए। ये तीनों टाइप के आरबीआई जो ट्रेजरी बिल्स निकालता है, इनका ना मैक्सिमम अमाउंट एक्चुअल में है, मिनिमम तो मैंने बता ही दिया कि 25,000, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, देखिए क्लास 91 डेज वाला जो ट्रेजरी बिल होता है ना, वो आरबीआई मैक्सिमम अमाउंट निकाल सकता है 6,000 करोड़ रुपीज का, 6,000 करोड़ रुपीज का मैक्सिमम अमाउंट का ट्रेजरी बिल 91 डेज के लिए निकाला जा सकता है, समझे बात। और एक्चुअल में ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं, 91 डेज वाले जो ट्रेजरी बिल हैं, आरबीआई निकालता है अपने रिपोर्टिंग वीक में, ओनली इन रिपोर्टिंग वीक। रिपोर्टिंग वीक क्या होता है, एक्चुअल में मंथ के हर फ्राइडे को, एक फ्राइडे को मंथ के आपका रिपोर्टिंग वीक होता है, उसके बाद वाला वीक जो आता है, फ्राइडे आता है, वो नॉन रिपोर्टिंग वीक आता है, समझे बात। एक फ्राइडे आपका रिपोर्टिंग वीक, एक फ्राइडे नॉन रिपोर्टिंग वीक, ऐसे नेक्स्ट आएगा फिर, यानी महीने में 2 वीक आपके रिपोर्टिंग वीक बनते हैं आरबीआई के, और 2 बनते हैं नॉन रिपोर्टिंग वीक। तो ये एक्चुअल में रिपोर्टिंग वीक में निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके साथ साथ एक्चुअल में इसका अमाउंट आरबीआई चेंज भी कर सकता है, देखिए इट्स नॉट श्योर कि आरबीआई ने 6,000 करोड़ मैक्सिमम बोला है, आरबीआई इसको बढ़ा भी सकता है, आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है कि आरबीआई 91 डेज वाले के मैच्योरिटी पीरियड के बिल को, ट्रेजरी बिल को बढ़ा भी सकता है अमाउंट वाइज, ठीक है।
साथ के साथ अगर हम बात करें अनदर आरबीआई के ट्रेजरी बिल 182 डेज वाले की, तो 182 डेज वाले का भी अमाउंट मैक्सिमम कितना है, दैट इज ऑफ 6000। ठीक है, 6000 रुपीज का ही आरबीआई वो बिल निकाल सकता है मैक्सिमम, लेकिन ये निकालता है कब, नॉन रिपोर्टिंग वीक में। नॉन रिपोर्टिंग वीक का मतलब ये उस वीक में निकाला जाएगा जो कि रिपोर्टिंग के बाद वाला होगा, रिपोर्टिंग वीक के बाद वाला नॉन रिपोर्टिंग। उसके साथ आरबीआई अगर हम बात करें जो 364 डेज वाला ट्रेजरी बिल पास ऑन करता है, तो 364 डेज वाला बिल एक्चुअल में 8000 करोड़ रुपीज, मैक्सिमम 8000 करोड़ रुपीज का आरबीआई निकाल सकता है। ठीक है क्लास, समझे क्लास। आरबीआई जो है वो तीन टाइप के ट्रेजरी बिल्स पास ऑन कर सकता है, वन इज ऑफ 91 डेज, सेकेंड इज 182 डेज, थर्ड वन इज 364 डेज। 91 और 182 वाला 6000 करोड़ रुपीस के मैक्सिमम, एक 91 वाला आपका रिपोर्टिंग वीक में, 182 डे वाला आपका नॉन रिपोर्टिंग वीक में, 364 डेज वाला 8000 करोड़ का है जो कि आपका ऑल वीक निकाला जा सकता है, मतलब रिपोर्टिंग में भी और नॉन रिपोर्टिंग में, समझे बात। साथ के साथ क्लास एक चीज और समझिएगा कि आरबीआई ना कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई ट्रेजरी बिल्स इशू करवा सकता है, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द मतलब नीड ऑफ मनी एंड ऑल दीस थिंग्स, फाइन। कभी भी वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये चीज नहीं पास ऑन करता, ट्रेजरी बिल्स को स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं निकालता। ठीक है, ठीक है, पॉइंट्स क्लियर। सर 364 डेज वाला बिल कब रिलीज होता है? 364 डेज वाला शालू पूरे महीने में आप कभी भी निकाल सकते हो, नॉन रिपोर्टिंग में भी और रिपोर्टिंग में। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्लास। ट्रेजरी बिल्स, दीज आर द ट्रेजरी बिल यानी फर्स्ट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर मनी मार्केट। क्लियर, पहला मैंने प्रॉमिसरी नोट बता दिया था, सेकंड ट्रेजरी बिल बता दिया था। अब आते हैं हम दी, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पेपर में ये आ चुका है। ठीक है, पेपर में ये आ चुका है कि ट्रेजरी बिल 182 डेज वाला कितने टाइम के लिए कितने अमाउंट तक का निकल सकता है या फिर कब निकाला जाता है, तो याद रखिएगा नॉन रिपोर्टिंग वीक में। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, जो चीज समझाई जा रही है ना उनको पॉइंट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पीडीएफ में नहीं मिलता तो साइड वाइज आप एडिशनल चीजें बोलता हूं मैं जो वो लिखा करो। ठीक है, अब देखिए हमारी बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ बिल की, दैट इज कॉल्ड योर कमर्शियल बिल। ठीक है, कमर्शियल पेपर्स की बात करते हैं आपके, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर सारा सिंपली मैंने वही डिफाइन किया है जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन इज योर कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कमर्शियल पेपर। अब देखिए कमर्शियल पेपर आपका क्या होता है, मैंने सिंपल सी शब्दों में आपको स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुना दी ना कि मैंने और भास्कर ने पैसा लेना देने की बात की और उसको एक नोट लिख कर दिया। अब यहाँ पर अगर सपोज करो कोई एक बड़ी कंपनी है जिस कंपनी को पैसे की नीड है और वो कंपनी ना एक्चुअल में किससे डिमांड कर रही है पैसे की, वो डिमांड कर रही है आरबीआई से नहीं, पब्लिक से। अगर कोई कंपनी सपोज जिसको नीड है पैसे की और वो डिमांड कर रही है किसी पब्लिक से, तो वो क्या करेगी उस सिचुएशन में, वो निकालेगी कमर्शियल पेपर। अब वो कमर्शियल पेपर कैसे निकालेगी, एक्चुअल में सपोज अगर मान लो किसी कंपनी ने एक पेपर निकाला, उस पेपर को उसने ना मेंशन किया कि ये पेपर ना 5 लाख रुपीज का है, सपोज ये पेपर 5 लाख रुपीज का है और एक्चुअल में ये इसका मेच्योरिटी पीरियड है 280 डेज, यानी उसने लिख दिया कि ये 280 डेज के लिए और इसका मेच्योरिटी पीरियड है 20 डेज का और इसका अमाउंट है 5 लाख, और उसने पब्लिक में ये इंट्रोड्यूस कराया, ये अनाउंस किया कि इसको हम ना डिस्काउंट पे दे रहे हैं, इट इज ऑफ 20% डिस्काउंट, फाइन। उसने बोला कि हम 20% डिस्काउंट पर दे रहे हैं और 20% डिस्काउंट पर एक्चुअल में वो 5 लाख का अमाउंट कितने का पड़ेगा, दैट इज ऑफ 4 लाख। तो अब सपोज उनमें से कोई भी मैं आप में से कोई पहुंच गया और उस पेपर को खरीद लाया। अब जब ये खरीद लिया गया तो हुआ क्या कि कंपनी को उतने टाइम पर 4 लाख की नीड थी, उसने 20% डिस्काउंट पे ले लिया। अब सपोज कंपनी के उस 280 दिन जो उस पे मेंशन थे 280 डेज, उसके बाद मैं उसी कंपनी में गया और मैंने कहा कि मुझे मतलब सेल करना है, तो कंपनी ने कहा ठीक है। कंपनी ने ना एक्चुअल में उस पे 280 डेज के पहले ही मैं गया था, तो उसने वो कहा ठीक है मैं ले लूंगा। कंपनी ने उसको जो रिटर्न में लिया वो कितने में लिया, सेम उसी अमाउंट में लिया जितना उस पे मेंशन था, दैट इज ऑफ
5 लाख रुपीज। तो यानी जो इंसान जिसने वो खरीदा था उसको वो फायदा हुआ 1 लाख का, लेकिन कंपनी ने उसे उतने टाइम पर, कंपनी को नीड थी कितने की, 4 लाख की, तो कंपनी ने इसीलिए उसे 20% डिस्काउंट में बेचा था। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बैलेंस हो रहा है, इस तरीके से ये मनी का फ्लो को बैलेंस ही किया जा रहा है, क्योंकि जिस टाइम नीड है तो कंपनी ने उसे सेल कर दिया, और जिस टाइम कंपनी को जरूरत थी तो कंपनी ने उसे खरीद लिया। तो यहाँ पर एक्चुअल में दिस काइंड ऑफ पेपर जो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं ये कहलाते हैं आपके कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर बहुत सिंपल सा है, जब भी कोई कंपनी पब्लिक से डिमांड करती है पैसे के लिए तो वो आपके किस में आते हैं, कमर्शियल पेपर में आते हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कंपनी ये कोई भी पेपर अगर निकालते है कमर्शियल पेपर, तो इट इज ऑफ ओनली मैक्सिमम अमाउंट इज ऑफ 5 लाख रुपीज। मैक्सिमम अमाउंट भी 5 लाख है, मिनिमम अमाउंट भी 5 लाख है, दोनों लिमिट्स यही है क्लासेस की, ठीक है ना। मिनिमम इसमें कुछ कम कर सकते हो, मैक्सिमम इसका यही रहेगा। तो देखिए लिखा भी यही है, कमर्शियल पेपर इज अ टाइप ऑफ प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर एक टाइप है प्रोमिसरी नोट का। They are issued by the large companies and the corporation in the need of quick short-term loans to meet the need of working capitals, seasonal changes, expenses of the share issues and its features include. It means company को कोई भी problem आ रखी होगी उस time पर तो उसे loan की जरूरत है, like working capital, जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, seasonal कुछ change हुआ है, या फिर expenses of the share issue, share issues कुछ हो गए हैं, तो इस वजह से company को ये short term loan चाहिए था, quick वो भी। साथ के साथ इसकी फीचर्स क्या है, इट इज अ शॉर्ट टर्म अनइंश्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। अनइंश्योर्ड का मतलब क्या है क्लास, बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ अनइंश्योर्ड। क्लास आप थोड़ा सा मुझे एटलीस्ट ये भी आइडिया नहीं देते कि उस टर्म से क्या मीन निकल कर आ रहा है। मतलब उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। यस, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो भाई। देखो अनइंश्योर्ड का मतलब कि उस पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा, वो जितना कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा, वो जितने का अमाउंट का था उतने अमाउंट आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इट मींस दैट इज ऑफ योर अनइंश्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। उसके साथ साथ कमर्शियल पेपर का जो मेच्योरिटी पीरियड हो सकता है वो कंपनी कितने से कितने दिन तक रख सकती है, 15 days to 1 year। क्लास जहां भी 1 year आ रहा है ना, प्लीज याद रखिएगा पूरे 365 days कंप्लीट ना हो, 365 से नीचे नीचे के डेज होने चाहिए। उसके साथ दे आर ऑल इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, ठीक है। ये आपके इशूड होते हैं डिस्काउंट पे, और रिडीम का मतलब होता है, आपने देखा भी होगा ना, रिडीम कराने पर आपको उतना ही कैश मिल जाता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं रिडीम के, ठीक है। तो वो मेच्योरिटी पीरियड पर डिसाइड होते हैं, नॉट सो वरी अबाउट इट, क्योंकि ये चीज आपकी बहुत अनवांटेड से है, मतलब लाइक इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता कोई। उसके साथ साथ दे आर हाईली लिक्विड एंड इजिली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। हाईली लिक्विड का मतलब बहुत इजी सा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है, और साथ के साथ ये ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल का मतलब हमें कंपनी ने दिया, हमने कंपनी को जाकर वापस कर दिया, 1 साल रखना था, 1 साल से नीचे रखना था, दैट्स इट। तो इतनी बड़ी टेंशन वाली काम की बात नहीं है कि किसी बीच में एज अ ब्रोकर को लेना पड़े या फिर हमारा कुछ फंसने के चांसेस हैं पैसे के, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा प्रोसेस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि आसान, ठीक है। क्लास कमर्शियल पेपर समझ आई बात, ओके। बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हॉच पॉच, ओके। उसके साथ अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट वन इज कमर्शियल पेपर के बाद इज योर कमर्शियल बिल। अब देख कमर्शियल बिल और कॉल मनी, इसको ना आपको अभी समझाऊंगा मैं, उससे पहले आपको एक टर्म समझनी है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। अब सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, देखिए पहले मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों आपके समझ में आएंगे आपको, मतलब जो कॉल मनी और पीछे आपका कमर्शियल बिल गया है वो आपको तब समझ में आएंगे, लाइक अब जब सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स कर लोगे, ठीक है। हर किसी में जो जो लोग इंक्लूड हो रहे हैं ना, दो पार्टीज, उनको याद रखिएगा कि कौन सी दो पार्टीज हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट एंड आरबीआई था ट्रेजरी बिल्स में, और प्रॉमिसरी नोट में कोई भी कॉमन पीपल हो सकता है, ठीक है, कोई भी कॉमन पीपल जिसको एक दूसरे पर भरोसा है।
उसके साथ साथ कमर्शियल पेपर में भी आपका कौन कंपनी और आपकी पब्लिक इंक्लूड हो रही थी। अब सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में कौन इंक्लूड होता है, देखिए सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स में आपके इंक्लूड होते हैं कोई भी एक बैंक और साथ के साथ आपका कोई भी जनता, ठीक है, बैंक और आपकी कोई जनता, ठीक है। कैसे, सपोज करो कि किसी बैंक ने ना एक पेपर निकाला है, उस पेपर पे उसने क्या लिखा कि ये पेपर आपका अमाउंट का है, सपोज इट इज अ 1 लाख अमाउंट, ठीक है, वो आपका पेपर है 1 लाख अमाउंट का और उसने उसने मेंशन किया है कि इट इज ऑफ 320 डेज के लिए, सपोज कि 320 डेज के लिए। अब ये सपोज पीएनबी ने निकाला है, पीएनबी ने कहा कि 1 लाख का ये पेपर है और इसको हम 320 डेज के लिए निकाल रहे हैं और हम साथ के साथ इस पर एक डिस्काउंट दे रहे हैं ऑफ 20%, ठीक है। अब 20% का डिस्काउंट देने पर हमने देखा कि वो 80,000 में मिल रहा है, हम पहुंच गए। अब ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट यहाँ बोली वगैरह कोई सेट नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंक ने जो सेट कर दिया डिस्काउंट उसी पर आपको मिलेगा, ठीक है। सो बैंक ने 20% डिस्काउंट दे दिया, मैं उसे खरीद लाया। अब सेम एज मैं भी उसे क्या करूंगा, मैं उसे 320 डेज के लिए रखूंगा, 320 डेज के बाद मैं उसको दोबारा से क्या कर दूंगा, सेल करने के लिए पहुंच जाऊंगा बैंक के पास। जैसे ही मैं सेल करने के लिए पहुंचूंगा तो बैंक मुझे क्या करेगा, पूरा वो अमाउंट रिटर्न करेगा जो उस पर मेंशन है, यानी 1 लाख का अमाउंट मुझे वो देगा। इस टाइप ऑफ डिपॉजिट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में कोई एक बैंक इंक्लूड होगा और साथ के साथ आपकी पब्लिक इंक्लूड होगी, ठीक है क्लास। एक्चुअल में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर जो मेंशन है, देखिए, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट इशूड ओनली बाय द कमर्शियल बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ कमर्शियल बैंक इंक्लूड कर सकते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लाइक आपका LIC एंड ऑल। दे कैन ऑल्सो बी इशूड इन द डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म का मतलब होता है, आपने शायद डीमैट वर्ड सुना होगा, सुना है क्लास डीमैट वर्ड? सो डीमैट अकाउंट, सॉरी शालू, अकाउंट होता ना? हाँ, डीमैट अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट? मीनिंग नहीं पता, बस सुना है। अच्छा निशा, आपने सुना है? हाँ जी बताइए फिर निशा। अजय आप बताइए। सर सर सेविंग डीमैट मतलब अकाउंट सुने हुए हैं। अच्छा सुने हैं, बट द मीन इज सेविंग अकाउंट सबने सुना होगा, करंट अकाउंट सबने सुना होगा, RDFD सुनी होगी, डीमेट भी सुना होगा, ऑब्वियस है सुना होगा, लेकिन क्या है डीमेट, क्या आप खुलवा सकते हैं डीमेट अकाउंट? हाँ सर, मतलब उसके लिए आपको सिर्फ पैन चाहिए होता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है शालू? पैन कार्ड। पैन कार्ड चाहिए होता है, दैट्स इट। हाँ मैं तो ये बैंक में, मतलब मेरे सामने वो बात कर रहे थे तो उनकी कंडीशन सिर्फ ये थी। अच्छा अजय प्रताप, अच्छा ठीक है अजय, दैट्स अ गुड आंसर, एटलीस्ट थोड़ा आप आए हो वहां तक। अजय ने बोला कि डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए होता है, यस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ जितने भी डीमैट अकाउंट्स होते हैं ना, डीमेटरलाइज्ड अकाउंट एक्चुअल में फुल फॉर्म है इनकी, डीमैट अकाउंट शेयर्स के लिए, लाइक आपका जो ट्रेडिंग में आप इन्वॉल्व हो तो वो सबका लेन देन जितना भी होगा वो उस अकाउंट से होता है। तो शेयरिंग शेयर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि ज्यादातर लोग डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं शेयर्स के लिए, ठीक। तो डीमैट अकाउंट के लिए आप तो एक तो शेयर मार्केटिंग में इंक्लूड हो, तो साथ के साथ पैन कार्ड तो नॉर्मल थिंग है, वो हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक। लेकिन आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है कि आप शेयर मार्केटिंग में इंक्लूड हो, किस तरीके से इंक्लूड हो, कितना आपका ट्रांजेक्शन रहता है ट्रेडिंग में, वो सब चीजें आपको देनी पड़ती है, तब जाकर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जो है वो डीमेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। एंड फीचर्स क्या होते हैं इसके, मैच्योरिटी पीरियड इज 7 डेज टू 1 ईयर, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि सारा मनी मार्केट का खेल है। एंड इशूड बाय द बैंक्स एंड 1 to 3 years व्हेन इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर एक चीज और है कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर इसे इशू कर रहे हैं तो आपके कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, 1 to 3 years के लिए कर सकते हैं। साथ के साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड एट द डिस्काउंट, वी नो दैट द रिटर्न और दैम इन द डिफरेंस बिटवीन द इशूड प्राइस। हां जी निशा, द रिटर्न ऑन दैम इज द डिफरेंस बिटवीन द इशूड प्राइस एंड देयर ग्रेटर फेस वैल्यू। ऑब्वियस है कि जो हमारा उतने टाइम पर डिस्काउंट दिया था और उसकी जो फेस वैल्यू है 1 लाख, वो आपकी मेंटेन होती है वहां पर,
दे आर इशूड ओनली इन द मल्टीप्लाइज ऑफ 1 लाख. ये सिर्फ कितने पर इशूड होते हैं, मल्टीप्लाइज ऑफ 1 लाख के उसमें, ठीक है. साथ के साथ दे आर इजिली ट्रांसफरेबल एंड दी हाईली लिक्विड, जो बात मैं बता चुका हूँ कि इनके लिए कोई बीच में एज अ मीडिएटर का काम करने के लिए नहीं चाहिए होता है, ठीक है क्लास. सो दीज आर योर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट. वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है सब ओके है. क्लास बाकी सबके साथ भी हो रहा है क्या? नो हो रही है यार, कनेक्शंस चेक करो आपके बाकी. मुझे तो लग नहीं रहा कि मेरी तरफ से कोई इश्यू है. चालू आपको लग रहा है आवाज ब्रेक हो रही है? भास्कर आपको? नो आई थिंक फिर ऑल ओके है, ठीक है. आपको अपनी तरफ से चेक करिएगा, ठीक. अब देखिए क्लास, अब हम आते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के बाद आपकी. द नेक्स्ट वन इज योर कमर्शियल बिल, ठीक है. कमर्शियल बिल क्या होता है? देखिए इट्स अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. कमर्शियल वर्ड आ रहा है आपका. कमर्शियल वर्ड आपके किससे रिलेट करता है? आपका कंपनी से रिलेट करता है. एक्चुअल में कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर जो है ना, कमर्शियल बिल बन जाते हैं कुछ टाइम बाद. देखिए कैसे. इट इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. इन सच अ बिल द सेलर विल ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द बायर ऑफ बिल ऑफ बायर द बायर ऑफ द गुड्स विल हैव टू एक्सेप्ट द बिल्स. यहाँ पर एक वर्ड और आ गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज. तो पहले आपको मुझे वो भी समझाना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कमर्शियल पेपर. देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, क्लास समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है ना? यस सर. ओके, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, थोड़ी सी स्टोरी और बढ़ाता हूँ. सपोज करो अब लाइक भास्कर है, मैं हूँ और शालू है, लाइक हम तीन जने हैं, तीन लोग हैं. अब तीन लोगों में ना सपोज करो कि मेरे पैसे भास्कर के पास हैं, या सपोज करो भास्कर के पैसे मेरे पास हैं. मैं थोड़ा सा इसे नॉर्मल वे में लेता हूँ. मेरे पैसे भास्कर के पास हैं, तो मैंने भास्कर से कहा कि भास्कर मुझे मेरे पैसे लौटा दो. भास्कर ने मुझे कहा कि मेरे पैसे ना शालू के पास हैं, जाकर उससे ले लो. अब सपोज करो मैं शालू के पास डायरेक्ट पहुंचा और मैंने शालू से कहा, शालू मुझे ना भास्कर ने कहा है कि उसके पैसे आप मुझे दे दो, क्योंकि उसके पास मेरे पैसे थे, ठीक है. अब शालू ने कहा कि मैं ऐसे तो पैसे दूंगी नहीं, जाओ और जाकर भास्कर से लिखवा कर लेकर आओ. अब एक्चुअल में भास्कर ने क्या करा, भास्कर ने ना एक पेपर निकाला और भास्कर ने खून से लिख दिया कि जाओ जाकर शालू से पैसे ले लो, और शालू के पास मेरे इतने पैसे हैं और उसने इतने टाइम पर लिए थे और उसे इतने देने हैं, ठीक है. इस तरीके से भास्कर ने लिखकर दे दिया. क्लास ऐसी बातों पे मेरे आपको थोड़ा गुस्सा तो नहीं आता था, खून से लिखकर दे दिया एंड ऑल. तो भास्कर ने जब ये चीजें करके दे दी, तो एक्चुअल में भास्कर ने जब ये बातें लिखकर दी, तो शालू को यकीन हो गया और शालू ने अब मुझे पैसे देने का वादा कर लिया, पैसे दे दिए, ठीक है. उस टाइम पर अब देखिएगा, ये जो एक्चुअल में बिल जो रेडी किया गया, मतलब ये जो भास्कर ने रेडी किया अपने खून से, ये आपका तीन पार्टीज में जा रहा है. तीन पार्टीज में कैसे जा रहा है? उसने मेरे नाम पर लिख कर दिया कि सोहिल को इतने पैसे दे दो शालू, जो कि मैंने आपको इस टाइम पर दिए थे, और अपने साइन करके दे दिए. अब जैसे ही वो शालू के पास पहुंचा, तो वो शालू के पास पहुंचा, वो आपका यहाँ पर अब क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ना क्लास आपको एक चीज याद रखनी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैं पता है क्या कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा पेई. पेई का मतलब जिसको पैसे की नीड है, जिसको पैसे से प्रॉफिट होने वाला है, पैसा मिलने वाला है, पेई, PAYEE, पेई, ठीक है. उसके साथ अगर हम बात करें, जो वो बिल बना रहा है, कि जो ये कह रहा है कि इसको इतने पैसे दे दो, वो आपका क्या कहलाता है, मेकर और ड्रॉयर कहलाता है. मेकर और ड्रॉयर कहलाता है, जो कि आपका कौन होगा, भास्कर. और एक्चुअल में जिसको पैसे देने हैं, जो कि शालू है, वो आपकी क्या कहलाएगी, ड्रॉय कहलाएगी, DRAWEE, ड्रॉय. समझे बात? पेई,
मेकर और ड्रॉयर आपका भास्कर होगा और ड्रॉई कौन होगा आप शालू होगी। तो इन तीनों में आपका ठीक क्या हो रहा है सर्कुलेट हो रहा है दैट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज जो बनाया किसने है वो आपका श्याम इसने भास्कर ने बनाया ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा जब भास्कर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया अगर सपोज करो यही बिल ऑफ एक्सचेंज शालू की जगह बैंक में पहुंच जाए तो ये क्या कहलाएगा क्लास बताइए क्लास एम आई ऑडिबल बॉन्ड बॉन्ड नो शालू गेस करो कि ये चीज अगर मेरे और भास्कर से होते हुए अब ये बैंक में जा रही है भास्कर ने जो लिख कर दिया है पेपर वो बैंक में जा रहा है अब ये क्या कहला सकता है गेस कमर्शियल कमर्शियल बिल कमर्शियल कैसे चालू ऑब्वियस है हम दोनों कंपनीज तो है नहीं हम तो नॉर्मल पर्सन है थोड़ा सा सोचो आप इस्तेमाल करते हो बहुत हद तक सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स नो ये क्लास आप मुझे ऐसा क्यों लगता है आप थोड़ा सा भी जोर नहीं डालना चाहते हो यू हैव हर्ड अबाउट दैट वर्ड दैट इज चेक सुना है ना दिस इज चेक एक्चुअल में आप ये चीज ऐसे भी तो कर सकते हो कि आप वो बिल मेंशन करके दे दो कि भास्कर ने कहा कि मुझे कहा भास्कर ने कि जाओ और ये चेक लेकर जाओ और ये पैसा मेरा बैंक में वहां से ले लो तो चेक में भी तो हम यही करते हैं कि दिस अमाउंट पे टू दिस पर्सन ये चेक हो गया। तो अब याद रखिएगा अगर ये सिर्फ और सिर्फ किन्हीं तीन पर्सन के बीच में हो रहा है दैट इज योर पे मेकर और ड्रॉयर और योर ड्रॉई तीन लोग तो ये कहलाएगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर ये आपका हो रहा है दो पर्सन एंड थर्ड वन इज ऑफ योर बैंक जिसमें कि बैंक क्या होगा ड्रॉई बैंक ड्रॉई बनेगा जैसे शालू यहाँ पर ड्रॉई बन रही थी तो उस दौरान पर ही आपका क्या कहलाएगा दैट इज योर चेक ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने चेक भी क्लियर कर दिया जो कि अभी आगे आएगा ठीक। तो याद रखिएगा कमर्शियल बिल आपके क्या होते हैं आप कमर्शियल बिल आपको समझने में आसानी होगी इट इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आ गई। इन सच अ बिल द सेलर विड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द बायर ऑफ द गुड्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट बिल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याद रख लीजिएगा कि एक कंपनी इंक्लूड हो जाएगी आप दैट विल बी ड्रॉई ठीक है। तो एक्चुअल में जो आपकी ड्रॉई होगी वो कोई कंपनी बन जाएगी और यहाँ पर ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या कहलाने लग जाएगा कमर्शियल बिल कहलाने लग जाएगा। इफ इट इज अ मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट विल बिकम अ ट्रेड बिल। और अगर सपोज करो ये किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसी कंपनी के ना थ्रू होकर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने करा है तो ये आपका क्या कहलाएगा ट्रेड बिल कहलाएगा। द सेलर कैन गेट द डिस्काउंट आफ्टर गोइंग टू हिज बैंक हियर द बैंक विल प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इफ द बायर इज अनेबल टू डू सो। और यहाँ पर अगर सपोज करो कि कोई कंपनी और ऐसा कुछ नहीं कर पाती तो वो एक्चुअल में उस बैंक में भी जा सकते हैं जहां से वो इंटरलिंक्ड है क्योंकि कमर्शियल बिल एक्चुअल में ना कहीं किसी बैंक से लिंक होते हैं एंड दिस वे द ट्रेड बिल बिकम्स अ कमर्शियल बिल। और ये हमारा ट्रेड बिल कमर्शियल बिल इस तरीके से बनता है। साथ के साथ इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 30 डेज 60 डेज 90 डेज इस तरीके से रखा जाता है। और ये एक्चुअल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल का मतलब होता है जो इजिली ट्रांसफरेबल हो जैसे कि चेक चेक आपका इजिली ट्रांसफरेबल होता है ना चेक को आप ले जाकर के मना नहीं कर सकता ना बैंक वाला कि आपको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इट इज ऑल्सो अ सेल्फ लिक्विडेटिंग इन नेचर मतलब वो अपने आप में डिफाइंड करता है कि ये अमाउंट एक्चुअल में इस बंदे को देना है इसके लिए उसकी आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो कैसे होती है वो मैं बताऊंगा जब मैं चेक कराऊंगा ठीक है क्लास। आफ्टर दैट एक छोटा सा टर्म है यहाँ पर दैट इज योर कॉल मनी। अब कॉल मनी क्या होता है देखिए क्लास कॉल मनी सिंपल सी बात में जब भी कभी किसी एक बैंक को ठीक है फंड की रिक्वायरमेंट है और वो एक्चुअल में डिपेंड करे किसके लिए कमर्शियल बैंक के लिए सपोज करो पीएनबी को जरूरत है और वो किसके पास चला जाए एसबीआई के पास चले जाए मतलब इंटर बैंक इंट्रा बैंक का मतलब हो गया आप किसी आउटसाइडर बैंक के पास कमर्शियल बैंक के पास ही चला गया एसबीआई भी कमर्शियल बैंक पीएनबी भी कमर्शियल बैंक तो पीएनबी एसबीआई के पास ही पहुंच गया कि मुझे पैसे की नीड है मुझे ये पैसा दे दो इतना पैसे की जरूरत है मुझे थोड़े टाइम के लिए वो आरबीआई के पास नहीं गया। तो इस टाइप का जो आपका पैसा होता है शॉर्ट टर्म के लिए वो आपका क्या कहलाता है कॉल मनी कहलाता है ठीक है। कॉल मनी की एक्चुअली कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती एक्चुअल में जिस बैंक ने पैसा दिया है वो कभी भी मांग सकता है दूसरे बैंक से कि भाई मेरा ये पैसा तूने लिया था तो मुझे रिटर्न कर दे ऑन डिमांड मतलब ऑन डिमांड उसे वो देना ही पड़ेगा।
और इसके लिए अगर वो नहीं करता है तो इसके लिए भी कुछ ज्यूरिसडिक्शंस हैं जो वो फॉलो कर सकता है अगर वो ऑन डिमांड पे नहीं करता. मोस्ट ऑफ द बैंक्स रिलाइज ऑन द कॉल मनी टू मेंटेन देयर सीएलआर एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस. और एक्चुअल में कॉल मनी की जरूरत पड़ती है सीएलआर को मेंटेन करने के लिए. और सीएलआर मैंने आपको शायद बता रखा है, कैश लिक्विडिटी रेशियो. बताया है क्या क्लास? मैंने सीएलआर बताया है आपको? चलो अगर नहीं भी बताया होगा सीआरआर. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है. नहीं बताया है कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यही कॉल मनी से ही इस इंक्लूड करूंगा, फिर मैं सीएलआर दोबारा से बता दूंगा, कोई इशू नहीं. ठीक है, सो टाइम अप हो गया है क्लास. आई होप हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी ये रहता है, एक क्लास और लेगा ये टॉपिक. तो एटलीस्ट आप इसको यहाँ तक पढ़िएगा. मैं पीडीएफ शेयर करा दूंगा आज ही, मैं पीडीएफ इसका भेज दूंगा. यही आप एटलीस्ट पढ़ के रखेंगे तो आपको समझ आएगा और भी ज्यादा जब मैं टॉपिक कराऊंगा. तो क्लास दिस इज फॉर ऑल टूडे, थैंक यू सो मच. और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, जितना पढ़ाया जाता है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उसमें भी एडिशन करा करो. ठीक है क्लास? ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बाद में. थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू. Thank you.